मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने झारखंड के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी है। झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को आगे ले जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। खेल के प्रति उत्साह एवं उमंग इस प्रदेश के विगत वर्षों से चरम पर है। हमारी सरकार खेल के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। आज यहां देश के 28 राज्यों से पहुंचे विश्व खिलाड़ियों का उत्साह देखकर खुशी हो रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम खेलगांव में झारखंड वुशु एसोसिएशन द्वारा आयोजित 20वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी खेलों को प्रोत्साहित कर राज्य के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। पिछले दिनों राज्य में सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। आज यहां सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। यह देखकर खुशी हो रही है कि देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रतिभागी झारखंड पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर कांके विधायक श्री समरी लाल, खेल सचिव श्रीमती पूजा सिंगल सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी, झारखंडी वुशु एसोसिएशन के पदाधिकारी, देश के 28 राज्यों से पहुंचे प्रतिभागी व उनके कोच उपस्थित थे। हमारे साथ मौजूद हेल्थ सचिव पूजा सिंगल जी, आप सबों का मैं आज इस चैंपियनशिप पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने और से गुजार करता हूँ। अभी हाल में ही हमारे इस राज्य में खेल विभाग की तरफ से इस राज्य के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति में सीधी नौकरियां दी है। आज बहुत आशा और बहुत खुशी की बात है। अधिकतर संख्या अगर शायद गलत ना हो तो वुशु चैंपियन के ही 7 बच्चों ने नौकरी पाई है और मुझे लगता है वो चर्चा अभी खत्म भी नहीं है हुआ है और यहाँ सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप का कार्यक्रम आएंगे। मुझे तो पता भी नहीं था, अभी इस परिसर में आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ वुशु चैंपियनशिप का कार्यक्रम आयोजित है। पहली बात तो मैं सोच में पड़ गया कि अचानक बहुत तेजी से अभी तो हाल में ही हमारे राज्य में सब जूनियर्स गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। 18-19 तारीख को ही वो समाप्त हुआ है और 21 तारीख से यहाँ पर वुशु चैंपियनशिप। निश्चित रूप से खेल के प्रति उत्साह और उमंग जो विगत समय में बड़ी तेजी से राज्य में दिखाई पड़ रहा है, इससे हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं। हमें खेल की दिशा में आगे काम करने के लिए और प्रेरित करता है और जैसे कि आप सबको मालूम है हमारे झारखंड प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ियों ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और देश का नाम रोशन किया है और आने वाला समय में इस दर्शकों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस रात में
सभी तरह के खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए। और जैसे जैसे हमारे बच्चे आने वाले समय में अपने हुनर का प्रदर्शन आर9 भारत के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट रांची झारखंड।